हिंदू धर्म में गणेश चतुर्थी पर्व का विशेष महत्व है। गणेश चतुर्थी को भगवान गणेश के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान गणेश सौभाग्य और बुद्धि के देवता है, और गणेशोत्सव के दौरान यदि भगवान गणेश की विधिवत पूजा की जाती है तो श्रद्धालुओं को सौभाग्य की प्राप्ति हो सकती है। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान गणेश का जन्म भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को जन्मे थे। पंचांग के मुताबिक अनंत चतुर्दशी के दिन गणेशोत्सव का समापन होता है। हिंदू धर्म में उद्यातिथि से व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसे में भादो की गणेश चतुर्थी 7 सितंबर 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन शुभ मुहूर्त में गणपति जी की स्थापना करें और विनायक चतुर्थी का व्रत करें। गणेश चतुर्थी पर न देखे चांद। पौराणिक मान्यता है कि गणेश चतुर्थी पर चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन करने से झूठे कलंक लगते हैं। किसी कारण से व्यक्ति पर चोरी के भी झूठे आरोप लग सकते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने एक महंगी मणि चोरी की थी। नारद ऋषि ने बताया था कि भगवान कृष्ण ने भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा को देखा था, इसलिए उन्हें झूठे आरोपों का सामना करना पड़ा था। भगवान गणेश ने चंद्रदेव को दिया था श्राप। नारद ऋषि ने भगवान कृष्ण को बताया कि भगवान गणेश ने चंद्रदेव को श्राप दिया था कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को जो भी चंद्र दर्शन करेगा उसे मिथ्या दोष का सामना करना पड़ेगा। नारद ऋषि की सलाह पर भगवान कृष्ण ने गणेश चतुर्थी का व्रत लिया और उन्हें मणि चोरी के मिथ्या दोष से छुटकारा मिला था। गणेश चतुर्थी पर भूलवश देख ले चंद्रमा तो करे यह उपाय। यदि आप गणेश चतुर्थी पर गलती से चंद्रमा देख लेते हैं तो उसके दोष से बचने के लिए कुछ ज्योतिष उपाय कर सकते हैं। दोष से मुक्ति के लिए सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद पूजा में उपयोग किए गए फल, फूल, मिठाई आदि को चंद्रमा को दिखाकर किसी जरूरतमंद को दान कर दें। कलंक चतुर्थी मंत्र से दूर होगा दोष। कलंक चतुर्थी के दिन यदि किसी कारण से चंद्रमा के दर्शन हो जाते हैं तो उस समय इस मंत्र का जाप कर लेने से दोष की शांति होती है तथा व्यक्ति को चंद्र दर्शन से होने वाली परेशानी से मुक्ति प्राप्त होती है। सिंह प्रसन्न मवधीत सिंहो जाम्बवता हत सुकुमारक माँ रोदी स्तव हेश समंत का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।